वनों में लगी आग ने एक बार फिर से भयंकर रूप ले लिया है। यहाँ के जंगल कई हफ्तों से धधक रहे हैं। तस्वीरें देखकर साफ मालूम होता है कि किस तरह आग ने जंगल को अपने आगोश में ले लिया है। तेज हवा के चलते ये आग काफी तेजी से फैल रही है। इस आग में अब तक 24 से ज्यादा लोग और 50 करोड़ से ज्यादा जानवरों की मौत हो चुकी है, तो वहीं 2000 से ज्यादा घर भी तबाह हो चुके हैं। आप भी देखिए ऑस्ट्रेलिया की कुछ ये भयंकर तस्वीरें। नमस्कार, स्वागत है आपका पोस्टबुल न्यूज इन मीडिया में और मैं हूँ आपके साथ कविता जोशी। ऑस्ट्रेलिया के जंगल में लगी आग के धुएं से पड़ोसी देश न्यूजीलैंड का ऑकलैंड शहर नारंगी रंग की चादर से ढक गया है। न्यूजीलैंड के मौसम विभाग सेवा मेट सर्विस ने अपनी पूर्वानुमान में कहा कि पछवा हवाओं का उच्च स्तर धुएं को तास्मान सागर से होते हुए न्यूजीलैंड की तरफ ला रहा है। ऑस्ट्रेलिया के जंगलों में पिछले साल सितंबर में आग लगने के बाद से अब तक 24 लोगों की मौत हो चुकी है। दूसरी ओर अधिकारी आग को बुझाने के लिए जूझ रहे हैं और इसमें अब तक 24 लोगों की जान भी जा चुकी है। आग से अभी तक सैकड़ों घर जलकर राख हो चुके हैं, जिसके बाद प्रशासन आग से होने वाले नुकसान का आकलन कर रहा है। देश के दक्षिण भाग में जंगलों में अभी भी आग जल रही है। कई जंगली जानवर भी आग की चपेट में आए हैं। आग बुझाने के लिए हेलीकॉप्टर और विमानों की मदद ली जा रही है। इनसे जंगलों में पानी की बौछार की जा रही है। न्यू साउथ वेल्स, विक्टोरिया और साउथ ऑस्ट्रेलिया प्रांतों में शनिवार को तेज हवाओं से आग और बढ़ गई है और यहाँ तापमान 40 डिग्री से अधिक है। सबसे ज्यादा तापमान पश्चिमी सिडनी के पेनरिथ में 48.9 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया है। आपको बता दें, जंगल की आग को देखते हुए देश के प्रधानमंत्री स्कॉट जॉन मॉरिसन ने 13 जनवरी से शुरू होने वाली अपनी 4 दिवसीय भारत यात्रा शनिवार को रद्द कर दी। हालांकि प्रधानमंत्री मॉरिसन ने कहा कि वो आने वाले महीनों में सही समय पर एक बार फिर से यात्रा की तारीख तय करेंगे। वह 13 जनवरी से शुरू होने वाली अपनी यात्रा के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ व्यापक द्विपक्षीय बातचीत करने वाले थे। एक बयान में ऑस्ट्रेलिया प्रधानमंत्री ने कहा, हमारा देश इस वक्त देश भर में फैली भीषण जंगल की आग संकट से जूझ रहा है। इस मुश्किल घड़ी में हमारी सरकार का पूरा ध्यान ऑस्ट्रेलियाई नागरिकों की मदद करने पर केंद्रित है। कई लोग फिलहाल आग के खतरे का सामना कर रहे हैं और कई लोग इससे उबर चुके हैं। इस आग के चलते मरने वालों की संख्या भी काफी तेजी से बढ़ रही है, जिसके चलते ऑस्ट्रेलिया की सरकार ने कई इलाकों पर इमरजेंसी भी लगा दी। अब ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा कि ये आगे जाके क्या रूप लेती है। ऐसे ही और वीडियोस के लिए आप जुड़े रहिए पोस्टबुल न्यूज एंड मीडिया के साथ। अगर आप ये वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे फेसबुक पेज को लाइक करें और अगर आप ये वीडियो यूट्यूब पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल पोस्टबुल न्यूज एंड मीडिया को सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल आइकन दबाना ना भूलें, ताकि हम कोई भी वीडियो अपडेट करें तो उसका सबसे पहला नोटिफिकेशन आपके पास पहुंचे। थैंक यू।